ये मुट्ठी में आ गई पूरी, ठीक है। अब इसको आप अगर खोलेंगे ना तो ये धीरे धीरे जाके अपने आप ऐसे अपनी शेप में आ जाएगी। ये मेरा यहाँ पे आज आने का मकसद ये नहीं कि मैं आपको इस फॉर्म के गद्दे के बारे में बताऊं कि ये गद्दा कितने का मिल रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ पे आया था तो मुझे क्या यहाँ पे बड़ी अच्छी जानकारी मिली कुछ फॉर्म के बारे में, और आप लोग मुझे कॉल करते हैं कि आपको फॉर्म के बारे में जानना है कि कौन सा फॉर्म किस चीज़ में यूज़ होता है। तो आज मैं इसी से ही रिलेटेड लेके आया हूँ वीडियो कि आपको कौन सा फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे आपके शरीर के लिए बेस्ट और बढ़िया हो, ताकि कंफर्टेबल तरीके से आप सो सकें। और बहुत से लोगों का दर्द भी होता है सोने में, तो इस किस तरीके का फॉर्म इस्तेमाल करने से आपका वो दर्द भी कम हो सकता है। ये तमाम बातें इस वीडियो में हम करेंगे और सब फॉर्म की बारीकी जानेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपको कुछ गद्दे से भी रिलेटेड अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप इनसे फ़ोन करके आप इनसे ख़रीद भी सकते हैं। तो वीडियो में बने रहते हैं, चेक करते हैं हम कि कैसे क्या चीज़ है। और बहुत ही बढ़िया और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो होने वाला और बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। और का भाई ये बताइए, जो ये आप जो आपके हाथ में फॉर्म है, ये फॉर्म कैसी क्वालिटी का और क्या नाम है इसका? ये भैया सबसे प्रीमियम रेंज की जो आपकी मेमोरी फॉर्म होती है, मेमोरी फॉर्म में भी दो या तीन तरीके की फॉर्म होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, ये मेमोरी फॉर्म है, ये मुट्ठी में आ गई पूरी, ठीक है। अब इसको आप अगर खोलेंगे ना तो ये धीरे धीरे जाके अपने आप ऐसे अपनी शेप में आ जाएगी। ये मेमोरी होती है एक सबसे प्रीमियम रेंज की, जो आजकल गद्दों के अंदर मेमोरी मेमोरी वाले गद्दे लगे होते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है सर ये, मतलब कि आपने इसको बिल्कुल मुट्ठी में ले लिया और छोड़ दिया था बिल्कुल, ये फिर वापस अपने जगह पे आ गई। हाँ जी, ये तो बिल्कुल जादू की तरह है ये फॉर्म। तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको सोफे के ऊपरी सतह पे इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। ये जो गद्दा होता है आपका, उसमें सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए, एक आपको बॉडी के पोस्चर में लाने के लिए ये फॉर्म यूज होती है। अच्छा, ऊपरी सतह पे। हाँ जी। और ये गद्दे में भी और सोफे में दोनों में इस्तेमाल होता है। दोनों में इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला कौन सा फॉर्म है आपका? ये सर ये भी मेमोरी है, पर ये दूसरे तरीके की मेमोरी है। ये धीरे धीरे उठती है, ये एकदम से पंप करती है ऐसे। ओ, ये अलग तरीके की बात है। ये दो या तीन तरीके की मेमोरी होती है, जो मेरे पास दो तरीके की क्वालिटी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिये दोस्तों, के गद्दे में क्या क्या डलता है, सोफे में क्या डलता है, देख रहे हैं आप कितना लग्जरी फॉर्म है। तो इस तरीके से आपका गद्दा बनता है और आपके सोफे में भी इस तरीके के फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो ये दो क्वालिटी का आपने फॉर्म समझा, मेमोरी वन और मेमोरी टू, मैं इसका नाम दूंगा सीधा। और मैं इसके बाद सर ये एचआर की जो फॉर्म होती है, वो एचआर की फॉर्म ये है। ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है सर? ये गद्दे में ही यूज़ होता है, गद्दे के अलावा सोफे में भी आजकल बहुत चल रहा है। सोफे में लगाएंगे तो इसकी लाइफ कम से कम 10 साल की रहेगी। अच्छा, 10 साल से नीचे आपका सोफे में कोई दिक्कत आ नहीं सकती, क्योंकि ये हाई रेजिडेंसी फॉर्म है। अच्छा, इसके अंदर एक अलग ही तरीके की क्वालिटी है और ये 40 डेंसिटी का गद्दा है। अच्छा, ये देखेंगे इसमें 40 और 32 दो तरीके की क्वालिटी आती है। दोनों तरीके की क्वालिटी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो 32 डेंसिटी का रहेगा वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, 40 वाला थोड़ा सा हार्ड रहेगा, क्योंकि आप अपने सिटिंग के प्रॉपर जैसे आपको आराम पड़ता है वैसे आप ले सकते हैं। अच्छा, वैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक है ना, हमारे व्यूवर्स को ना बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स और कॉल करते हैं कि ये डॉट डॉट्स वाले जो फॉर्म होते हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि देखिए ध्यान से, ये डॉट डॉट्स वाले हर कलर के रंग बिरंगे फॉर्म, इस फॉर्म का नाम क्या होता है और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है ये ज़रूर बताइए, क्योंकि इसके बारे में बहुत सवाल करते हैं। सर ये बेसिकली ये वाली जो मैट्रेस होती है, ये वाली ऑर्थोपेडिक मैट्रेस में यूज़ की जाती है, ये इसको बॉन्डेड फॉर्म बोला जाता है। बॉन्डेड फॉर्म कैसे बनती है मैं आपको उसका प्रोसीजर बता देता हूँ। बताइए। जैसे ये फॉर्म है आपकी, ये बहुत सारी फॉर्म है, इन सबकी ना वेस्टेज जो निकलती है, वेस्टेज को ना एक मशीन में डालते हैं, ठीक है, उसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं। मशीन के द्वारा छोटे छोटे पीस होते हैं, उसके बाद उसमें केमिकल डाला जाता है, केमिकल से उसको मशीन में डाल के कंप्रेस कर लेते हैं। कंप्रेस करने के बाद में एक ऐसा ब्लॉक जाके तैयार हो जाता है। अच्छा, वो किसी भी कलर की फॉर्म हो सकती है, जस्ट एक फॉर्म की वेस्टेज होती है, उसको एक रिसाइकल करके ये बॉन्डेड फॉर्म में डाला जाता है। अच्छा, इस तरीके से बनता है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने बात कर लिया 4 तरीके के फॉर्म के बारे में, है ना, इस तरीके से। तो और भी कुछ है आपके पास सर बताने के लिए? सर इसमें जो फॉर्म रहेगी, ये इसमें एचआर की फॉर्म और बॉन्डेड की फॉर्म लगी हुई है दोनों। अच्छा, इसकी लाइफ कम से कम 10 ईयर्स की है। 10 ईयर्स की लाइफ, ओके। तो दोस्तों देख लिया आपने कि कुछ फॉर्म के बारे में, आज फिर से मैं एक जानकारी लेके आया आपके बीच में, जिसमें हमने आपको मेमोरी फॉर्म दिखाया वन, मेमोरी टू दिखाया है हमने, बॉन्डेड फॉर्म दिखाया आपको, एचआर फॉर्म दिखाया, 4 तरीके के फॉर्म बताए और चारों कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, किस क्वालिटी में इस्तेमाल होते हैं, ये सारी चीज़ें बताए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि फॉर्म कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और किस तरीके से बनता है वो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और हाँ, अगर आपको कुछ भी मैट्रेस से रिलेटेड, सोफे से रिलेटेड, कपड़ा, फैब्रिक कुछ भी चाहिए तो इनका नंबर मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप इनको फ़ोन ज़रूर कर लीजिएगा। पूरे भारतवर्ष में कहीं से हो ये आपको
भेज देंगे। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।